खबर जोधपुर से है, जहां माता का थान थाना अंतर्गत आज यूपी पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी ठगी की ऐसी गैंग से जुड़े हुए थे जो टेलीग्राम पर संपर्क कर एक ऐप के माध्यम से निवेश में धन दुगुना करने का लालच देते थे। जब पीड़ित ऐप में देखता तो उसको अपनी रकम बढ़ी हुई दिखती। प्रारंभ में तो रकम की निकासी संभवतः हुई, पर जब ज्यादा रकम होती तो ऐप बंद हो जाती व लाखों रुपए हड़प कर जाते। ऐसे 2 प्रकरण लखनऊ में दर्ज हैं, जिनमें 5.5 लाख व 7.5 लाख की ठगी की गई थी। यूपी पुलिस को इनकी तलाश जारी है, जिनको माता का थान थाने के साथ संयुक्त ऑपरेशन में आज तड़के गिरफ्तार किया गया। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। यूपी पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने आज जोधपुर आयुक्तालय के माता का थान थाने के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। ये एक ऐसी गैंग से जुड़े हुए थे जो टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क करके एक ऐसी ऐप में निवेश करने का लालच देते, जिससे कि उनका धन उसमें निवेश करने से धन डबल हो जाता। कुछ समय तक तो वो राशि विड्रॉ होती है, लेकिन बाद में वो राशि विड्रॉ नहीं हो पाती और ऐप बंद हो जाती है। इस तरह के 2 प्रकरण लखनऊ में दर्ज थे, जिसमें 5.5 लाख रुपए और 7.5 लाख रुपए का फ्रॉड किया गया था। इन 3 व्यक्तियों, जिसमें एक है प्रकाश नवल, एक सतीश नवल और कैलाश सौकरिया, इनकी तलाश में यूपी पुलिस आज जोधपुर आई थी और माता का थान थाने के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन में हमने इन तीनों को गिरफ्तार किया है और इनको न्यायालय में पेश किया जा रहा है और इनसे वारदात खोलने की उम्मीद है। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम, सब्सक्राइब करें न्यूज 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।